News 18, India. अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां कई समन्स के बाद, कुल 10 समन्स के बाद कुछ देर में हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होंगे। हेमंत सोरेन से सीएम आवास पर ही पूछताछ होगी, जिसके मद्देनजर सीएम आवास पर इस वक्त कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लोगों की आवाजाही बंद है, वहां सिर्फ पुलिस कर्मियों का बहुत बड़ा तांता है। अभी इस वक्त आपके यहाँ तस्वीरें हैं, ये ईडी ऑफिस है, रांची जोनल ऑफिस, और ये तस्वीरें सामने, जहां ईडी के अधिकारी भारत सरकार के बैच के साथ इन गाड़ियों में निकल रहे हैं और सीधा अब जाएंगे मुख्यमंत्री के आवास पर उनसे पूछताछ करने के लिए। ये ईडी के वरिष्ठ अधिकारी वहां दिखते हुए गाड़ियों में बैठे हुए, और इन्हीं गाड़ियों में ये सीधा अब पहुंचेंगे। और उसके पीछे देखिए कारवां लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ कारवां लगा हुआ है, पुलिस होगी, सीआरपीएफ की का दस्ता है इनके साथ, जो इनके इनको इनको प्रोटेक्शन देगा, कवर देगा, और इन गाड़ियों को गार्ड करते हुए ये सारी गाड़ियां मिल करके अब हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंचेंगी। इनके साथ कुछ मीडियाकर्मी भी हैं जो इनको कंटिन्यूअसली चेस करेंगे, न्यूज़ 18 का कैमरा क्रू भी है, लेकिन पुलिस का भी बहुत बंदोबस्त है। और ऐसा लग रहा है कि रास्ता रोक कर, गाड़ियाँ ट्रैफिक रोक कर इनके लिए रास्ता साफ क्लियर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरीके का पुलिस का बंदोबस्त है, एकदम चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था। और ये इसलिए क्योंकि ईडी ने इस दिन से पहले ही वहाँ के गृह मंत्रालय और गृह सचिव को लिख दिया था, कहा था कि पिछली बार जब आए थे तो बहुत भीड़ इकट्ठा हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को होने वाला था, तो इसको आपकी बार प्रिवेंट किया जाए, रोक दिया जाए। और इसलिए अगर आप देखें तो सुरक्षा का दस्ता तो है ही, एक तांता है, काफिला है, उसके बीच में ईडी की दो या तीन गाड़ियाँ हैं जो अब ईडी के दफ्तर से बाहर निकली हैं और वो सीधा अब मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचेंगी। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ है, निरंजन हमारे साथ है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ईडी के ऑफिस से मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंचने में अब उनको कितना समय लगेगा, कितना समय है कि जब हमें ये गाड़ियां मुख्यमंत्री के आवास के अंदर जाती हुई दिखेंगी, और उसके बाद लगभग कितनी देर और कितने घंटे ये प्रश्नोत्तर का ये सिलसिला चलेगा, और क्या आज कोई कार्रवाई भी हमें देखने को मिल सकती है। क्या वजह है कि इतनी चाक चौबंद सुरक्षा है पूरी रांची में, और खासकर ईडी के दफ्तर से लेकर मुख्यमंत्री के आवास तक के इस रूट में। अभी भी आप देखेंगे रूट लगा हुआ है, बाईं तरफ सड़क यातायात को रोका गया है, देखें आप यहाँ ट्रैफिक रुका हुआ है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी है, और ये देखिए ये गाड़ियाँ जा रही हैं और बहुत लिमिटेड नंबर्स में, अगर आप देखें सीमित नंबर्स में गाड़ियों को जाने का की इजाज़त दी जा रही है। दिवाकर और निरंजन इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। निरंजन आप कहां पर हैं? दिवाकर आप तो ठीक मुख्यमंत्री के आवास के बाहर ही खड़े हुए हैं, निरंजन आप इस वक्त कहां पर हैं? आनंद जी मैं बीजेपी का जो मुख्यालय है हरमू रोड, मैं उसकी जगह खड़ा हूं, क्योंकि ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, इसी रास्ते से अभी ईडी के अधिकारी जाएंगे, और यहां से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ईडी का कार्यालय है, और यहां से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर यहां से मुख्यमंत्री के आवास है। कुल दूरी की बात करें तो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है, और ये रास्ता जो है सीधा देखें अलगोड़ा चौक है, ये रास्ता स्वामी सजाना चौक जाती है। निश्चित तौर पर ये महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्रदेश का मुख्यालय है, पूरी तरह से सुबह से देखें तो जैसे ही मुख्यमंत्री निरंजन आप एक काम करिए, आप पर हमारा पीसीआर नजर बना के रखेगा, आपकी तरफ से ही वो काफिला जाने वाला है, वहां से गुजरकर, निरंजन से गुजरकर सीधा दिवाकर जहां खड़े हैं वहां तक ये काफिला पहुंचेगा। 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है, ईडी के अफसर वहां से निकल चुके हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। निरंजन के कैमरा पर नजर बनाते रहिए, जैसे ही वो काफिला वहां से गुजरता है सीधा फुल फ्रेम वहां जाएंगे। लेकिन दिवाकर आप जहां खड़े हैं वहां पर भी सुरक्षा इंतजाम बड़े पुख्ता है। हेमंत सोरेन के घर के बाहर आप खड़े हैं दिवाकर जी, जी दिवाकर बोलिए। दिवाकर मैं आनंद बोल रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी 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 अब सुन रहा हूँ जी। तो आप दोहराइएगा आनंद, हेमंत सोरेन जी के घर के सामने खड़े हैं आप, वो ईडी का जो काफिला वहां से उनके दफ्तर से चला है, निरंजन के पास से होकर गुजरेगा थोड़ी देर में, और यहीं पर जहां आप खड़े हैं वहीं से अंदर जाएगा उनके आवास पे, और किस तरह की व्यवस्था की गई है वहां पर? जी बिल्कुल 10 से 15 मिनट के बाद जो है यही ईडी की टीम पहुंचेगी, और हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए सीएम आवास का ये दरवाजा है, इसी गेट से जो है ईडी की टीम इंटर करेगी, और हमारी और सभी मीडिया की टीम की निगाहें
इसी गेट पर लगी हुई है। जैसे ही ईडी की टीम यहां पहुंचती है हलचल बढ़ेगी और आप देखिए कि सुरक्षा कर्मी अब मुस्तैद हो गए हैं, धीरे धीरे चहल कदमी बढ़ रही है। तो अब वो जो वक्त जिस पल का इंतजार था वो पल आ रहा है, यहाँ ईडी की टीम पहुंचेगी और सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। 17-18 सवालों का जवाब उन्होंने 20 जनवरी को दे दिया है और कुछ और सवाल बचे हैं जिन सवालों का जवाब ईडी को चाहिए। ईडी यहाँ उन सवालों के जवाब रिकॉर्ड करेगी। तो अब इंतजार है, यहाँ गहमा गहमी बढ़ गई है और सतर्कता भी बढ़ गई है। देखिए सीएम आवास की जो सिक्योरिटी है वो आपस में बातचीत कर रही है। अब थोड़ी ही देर में 10 मिनट में ये जो है कारवां जो है ईडी का काफिला है वो यहाँ पहुंचेगा और जैसे ही ईडी की टीम यहाँ पहुंचेगी सारे एक्शन यहीं से दिखाई देंगे। विधायक लगातार यहाँ जा रहे हैं, दूसरे गेट से विधायक जा रहे हैं, विधायकों की भी बैठक एक तरफ चल रही है और जैसे ही ईडी की टीम यहाँ आएगी विधायक जो है एक ब्लॉक में एक हिस्से में सीएम के अभी अगले अगर प्रेमाइसेस की बात करें तो दो दरवाजे हैं। अभी देखिए एसएसपी की गाड़ी यहाँ से निकल रही है, अब सतर्कता बढ़ती जा रही है और देखिए ये चहलकदमी शुरू हो गई है। देखिए ये जो है जवान जो है अब अपनी अपनी पोजीशन लेते जा रहे हैं, उस पल का इंतजार है और वो पल अब आ रहा है। ये अब एसएसपी की गाड़ी के अंदर कुछ जवान आगे निकले हैं, ये जिस तरीके के फटीग्स में है, जिस तरीके के यूनिफॉर्म में है, क्या ये सीआरपीएफ का दस्ता है, ये क्या स्पेशल फोर्सेस का दस्ता है, क्योंकि ये आम पुलिस अफसर तो नहीं लग रहे, क्योंकि सारे आम गार्ड्स हैं। निरंजन आपके इर्द गिर्द जो खड़े हैं वो कौन है? ये तस्वीरें अभी सीएम के आवास से जहां थोड़ी हलचल हुई है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जहां निरंजन खड़े हैं वो ईडी के अफसरों का वो काफिला वो वहां से गुजर कर ही यहां जहां निरंजन जहां दिवाकर खड़े हैं वहां पहुंचेगा। निरंजन बताइए आपके पीछे क्या चल रहा है? जी बिल्कुल आनंद, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ यहाँ झारखंड पुलिस के जवान भी मुस्तैद हैं और ये वो जगह है जहाँ से ये वीआईपी रूट है, यहाँ से मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी जाते हैं। ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है, इसी रास्ते से अभी कुछ देर के पहले ईडी के अधिकारी वहाँ से निकले हैं और मेरे भी वहाँ जो साथी हैं रिपोर्टर हैं संवाददाता हैं उनका पीछा करते हुए आएंगे और इसी रास्ते से होकर के आपको मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इस रास्ते से होकर के सीधे मुख्यमंत्री आवास जाती है और मात्र 10 से 15 मिनट में ईडी के जो अधिकारी हैं सदस्य टीम बनाई गई है, ज्वाइंट डायरेक्टर को बुलाया गया है और सवालों की जो लंबी फेरिस्त है, क्योंकि पिछले बार जो सवाल पूछे गए थे मुख्यमंत्री से उस सवाल से संतुष्ट नहीं थे, इसको लेकर के आज लगभग 15 से 20 सवाल पूछे जाएंगे जमीन के मामले को लेकर के। लेकिन निश्चित तौर पर आज का दिन झारखंड के लिए सियासत के लिए बहुत अहम होगा, क्योंकि जिस